उत्तराखंड के हल्द्वानी वन फूलपुरा आगजनी प्रकरण को लेकर जहां हल्द्वानी में कर्फ्यू के साथ साथ धारा 144 लागू कर दी गई है, तो वहीं हल्द्वानी से सटे पड़ोसी जनपद ऊधम सिंह नगर में हाई अलर्ट जारी कर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। जसपुर को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शहर में जगह जगह सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन मौजूद है। वहीं आज जसपुर में एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के नगर की शांति व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि हल्द्वानी में जो घटना हुई उसके बाद ऊधम सिंह नगर में अलर्ट जारी किया गया था, तब से लेकर आज तक जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। बॉर्डर पर भी लगातार चेकिंग की जा रही है और सेंसिटिव जगह पर कल भी और आज भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था को लेकर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। अगर कोई भी ऐसा तत्व जो शांति व्यवस्था में बाधा डालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सुनवाते इसी के साथ एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने आगे और क्या कुछ कहा। हल्द्वानी में जो घटना हुई उसके बाद जो है ऊधम सिंह नगर पुलिस ने तुरंत अलर्ट इसमें जारी किया था। सभी थानों में हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी किया था और उस समय से लगातार जो है आज तक आप देख पा रहे हैं जगह जगह पे हमने पिकेट्स लगवाई हैं, रेगुलर गश्त चल रही है, बॉर्डर चेकिंग हम कर रहे हैं। जैसे आप जसपुर में भी देख पा रहे हैं अलग अलग सेंसिटिव जगहों पे हमने कल भी और आज भी ड्यूटियां लगाई हुई हैं जो मुस्तैद है। किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था को अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हम तत्पर हैं। तो हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं और मेरा यही संदेश है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। अगर कोई भी ऐसे तत्व शांति व्यवस्था में बाधा डालने की कोशिश करते हैं तो उन पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।